सपनों की नगरी। हेलो गाइस, मैं हूँ पूजा और आपको आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू स्टोरी में, जो बहुत ही बेहतरीन है और ये एक लव स्टोरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था कुंभीपुर। वहाँ के लोग अपनी सरलता और सादगी के लिए मशहूर थे। इसी गांव में रहते थे दो युवा, आदित्य और साक्षी। आदित्य एक मेहनती किसान था और साक्षी के स्कूल में शिक्षक था। आदित्य और साक्षी की मुलाकात गांव के मेले में हुई थी। साक्षी वहां अपने छात्रों के साथ आई थी और आदित्य मेले में काम कर रहा था। साक्षी ने पहली बार आदित्य को देखा जब वह उसकी दयालुता और उसकी मुस्कान से प्रभावित हुई। आदित्य की सादगी और उसकी मेहनत ने साक्षी का दिल छू लिया। मेला खत्म होने के बाद साक्षी और आदित्य के बीच बातचीत शुरू हो गई। आदित्य ने साक्षी को अपने खेत की सैर कराई और साक्षी ने आदित्य को गांव के तालाब पर ले जाकर वहां के इतिहास के बारे में बताया। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन आदित्य ने साक्षी को अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। उसने साक्षी को गांव के पुराने मंदिर के पास बुलाया, जहां उसने अपनी भावनाओं को शब्द में पिरोया। आदित्य ने कहा, साक्षी तुम मेरे जीवन की सबसे सुंदर बात हो, तुम्हारे बिना मेरा हर दिन अधूरा लगता है, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? साक्षी की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने आदित्य का हाथ थामते हुए कहा, आदित्य मैं तुम्हारे बिना मैं भी अधूरी हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। उनकी शादी गांव में एक भव्य समारोह थी। पूरा गांव उनके साथ था और हर किसी के चेहरे पर खुशी के फूल खिल रहे थे। आदित्य और साक्षी ने अपने प्यार और साथ के सफर को एक नया अध्याय में बदल दिया और उनका जीवन सुख और समृद्धि से भरपूर हो गया। कुंभीपुर के लोग आज भी आदित्य और साक्षी की प्रेम कहानी को एक आदर्श मानते हैं। उनकी सच्ची मोहब्बत और सूझी खुशियों ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर बोध को पार कर सकता है। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।